डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा रायबरेली दौरे पर रहे और इस दौरान हमारे संवाददाता असद खान ने दिनेश शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की है, देखिए। रायबरेली में आए हुए हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, आइए उनसे बात करेंगे कुछ। न्यूज़ ऑन इंडिया पे स्वागत है सर आपका। आज रायबरेली आया हूँ जी। रायबरेली में अभी कुछ संस्थाओं के द्वारा अलग अलग लोगों को सहायता पहुँचाई गई। यहाँ पे अभी तक आप कितनी प्रक्रिया हुई उनका सबका अभी हम लोगों ने यहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग की है, अधिकारियों के साथ बैठ के, जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ के क्या क्या चीज़ें हम और सुविधा हमको हो सकती हैं, हॉस्पिटल के बेड कैसे हम और कर सकते हैं, जो हमारा बच्चों के लिए जो थ्रेटनिंग है थर्ड लहर में, तो हम पैसे पीकू कैसे और बना सकते हैं आईसीयू बेड बच्चों के लिए, जो ब्लैक फंगस के लिए हम क्या इंतजाम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करा है सर। दो कोविड हॉस्पिटल बने थे, एक सिटी नर्सिंग होम, एक वेदांता। आप ही के पदाधिकारी उस पर धरना दे रहे हैं कि उसको बंद किया जाए, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, इस समय हम लोग पॉजिटिव चीज़ों पे लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं में जिले स्तर पर भी सुविधाएँ मिल सकें। एम्स में हम कैसे और बढ़ा सकते हैं उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। यहाँ सारे जिला अस्पतालों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी लिया गया है, सरकार के माध्यम से भी हुआ है, ऑक्सीजन को उपलब्ध कराने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की। हमारा पहला कोशिश ये है कि जिला स्तर पे सभी जिलों में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि तीसरी लहर के पहले ही हम सारे इंतजाम कर रहे हैं। ये थे दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम सिर्फ ये कोविड की जो रोकथाम है उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। अन्य सवालों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बचते हुए जरूर नजर आए हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ न्यूज़ ऑन इंडिया, असद खान, रायबरेली।